अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए जी न्यारी की रेसिपी लेके आएंगे जी, इंशाल्लाह बनाएंगे न्यारी। तो प्यारे व्यूअर्स, अभी गोश्त हमने बेसके में डाल दिया, ये तेल में इसको फ्राई करेंगे और जब फ्राई हो जाएगा तो इसमें साथ में हम मसाले ऐड कर देंगे जी। ये हमने ले लिया जी नियारी मसाला। इस तरह गोश्त हमारा ये इसमें तेल में फ्राई हो रहा है जी, तो अब इसमें हम ऐड कर जाएंगे नियारी मसाला जी और इसको भुनेंगे। तो दोस्तों, इस तरह हमने ये थोड़ा सा गोश्त ले लिया है जी, इसको हम छोटा छोटा करेंगे, इसके रेशे बना लेंगे और ये उसमें ऐड करेंगे और उसमें उसकी जो है ना लुक बहुत अच्छी आएगी। और इस तरह से हमारे पास इसकी यखनी पड़ी हुई है जी, और ये भी इंशाल्लाह वक्त आने पर उसमें ऐड कर देंगे जी। तो हमने इसमें इसकी जो यखनी थी वो डाल दी है जी। यखनी डालने के बाद इसकी लुक ऐसी आ गई है, देखें। हाँ जी, तो अब हम इसमें ये जो हमने गोश्त छोटा किया हुआ था, रेशे बनाए हुए थे, ये इसमें ऐड कर देंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऐड कर दिया हमने इसमें। ये ऐड करने के बाद इसकी लुक देखते हैं जी, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है जी नियारी मसाले की, क्योंकि इसमें नियारी मसाले में होती है पिपली। पिपली जैसे मतलब लौंग होता है ना, उसे थोड़ा बड़ा होता है मतलब गोल सा, तो उसकी बहुत प्यारी खुशबू होती है। तो ये खुशबू नियारी में जो है ना आनी बहुत ज़रूरी है, तो पिपली के बगैर नियारी का बनना बहुत ही मुश्किल है जी। अच्छा जी, तो अच्छा तो ये हमने लिया जी मैदा। इसमें मैदा डालना बहुत ज़रूरी होता है जी, इसको इसकी इसको थिक करने के लिए जी। तो इसमें अब आस्ता आस्ता जी आराम के साथ थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसके इसको साथ में मिक्स करते रहेंगे जी ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ जी बिल्कुल ऐसे। ओके जी, ठीक हो गया जी। सो प्यारे बीबा जी, हमारी नियारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, देखें जी माशाल्लाह, देख लें कितनी प्यारी जो है ना थिक वाली ग्रेवी बनी है जिसकी, और इसकी जो बोटी है पीसेज हैं, इसका कलर चेक करें आप माशाल्लाह। तो दूसरी तरफ हम नान का भी इरादा है कि नान बनाएं इंशाल्लाह, हो सके तो वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।